एक बोल रहा सर इस बैच के बाद आप बहुत ज्यादा हो गए। कौन जाने वाला है? मैं जा रहा हूं कि तू जा रहा है? पहले तो ये बता, इसमें तो एक सवाल लगा हुआ है, मैं कि तू, किसको रवाना होना है? और दूसरा, अभी बेटा लंबा है सफर, ठीक है, अभी पढ़ लो वरना सफर और लंबा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी सफर लंबा है, 1-1.5 साल और पढ़ा है अभी, और अगर ध्यान से नहीं पढ़े, सॉरी टू से, बट क्या करूं, सच है तो सच है, फिर ये सफर और लंबा हो जाएगा, 2-2.5 साल का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, याद जरूर आओगे, बिल्कुल सही, हाँ याद जरूर आओगे 100%। सर आप रो रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, अभी काहे रो रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगली साल 12वीं में भी तो मिलेंगे। सर आप पीछा नहीं छोड़ोगे क्या हमारा? तुम बताओ, छुड़वाना चाहते हो तो जस्ट करी, ठीक है। अभी पूरी भैया पूरा जिम्मा IIT JEE का झंडा उठाया था हमने। IIT JEE सिर्फ क्लास 11 से नहीं बनती है, 12th भी आएगी, ठीक है, और याद जरूर आओगे। और अगली साल यही सब बातें मैं करी और चिंटू चिंटी को बता रहा हूँ। आज से 10-15-20 साल बाद में, चलो थोड़ा इमोशनल कर ही देता हूँ, 10-15-20 साल बाद में जब आप IITian बन चुके होगे, इंडिया में या फॉरेन में कहीं नौकरी कर रहे होगे, आपका लाखों करोड़ों का पैकेज होगा, आलीशान गाड़ी, स्विमिंग पूल वाला घर जब आपके पास होगा, और जब तुम अपनी कुर्सी पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे होगे, तो जरूर इस प्लेटफॉर्म की याद आएगी 100%। बिकॉज हम सब लोग भी मिस करते हैं कि कोटा वाले देश कितने अच्छे थे यार, वो कोचिंग की तैयारी, सुबह सुबह जाना साइकिल पे आना, तो जो याद आएगी वो आपको थोड़ी इमोशनल कर जाएगी। बट मेक श्योर जो बातें मैंने याद आने से पहले बोली, पैकेज, आलीशान नौकरी, घर, गाड़ी, वो हो। अगर दूसरी सिचुएशन हुई तो फिर याद नहीं आएगी, और अगर याद आएगी तो वो याद चुभने वाली आएगी, कौन सी कि काश पढ़ लिया होता यार, सब कुछ तो था, समझ में आया, सब कुछ तो था, थोड़ी सी हिम्मत और कर लेता तो शायद मैं भी आ जाए IIT में। कैसा तुम तो?